हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। हल्द्वानी में आज अपनी मांगों को लेकर डंपर स्वामियों ने हजारों की तादाद में नगर मजिस्ट्रेट और उप जिलाधिकारी के कार्यालय के प्रांगण में जोरदार नारेबाजी और धरना प्रदर्शन किया। डंपर स्वामियों ने आरोप लगाया कि हमारी मांग रेट को लेकर है, क्रशर स्वामी अपने रेट में बढ़ोतरी नहीं कर रहे हैं, इसके विपरीत हर साल वह रेट घटाते जा रहे हैं, जिसके चलते हमारे परिवार के पालन पोषण में दिक्कतें आ रही हैं। साथ ही उनकी दूसरी मांग समतलीकरण को लेकर है। उन्होंने बताया कि क्रशर स्वामियों ने अवैध रूप से गड्ढे खोद रखे हैं, जिससे हमारा माल कम रेट में ले रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। डंपर स्वामियों का कहना है कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो हम आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। इसी के चलते आज सभी डंपर स्वामियों ने सरकार और क्रशर स्वामियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। डंपर स्वामियों की माने तो उनका कहना है कि माल को 35 रुपए के हिसाब से लें, ताकि हमारा भी परिवार पल सके। डंपर स्वामियों ने चेतावनी दी है कि अगर हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो हम लोग चक्का जाम और सामूहिक आत्मदाह भी कर सकते हैं। हजारों की तादाद में आज सड़कों पर डंपर स्वामियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन और नारेबाजी की, साथ ही नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा। अभी तक ऊपर से कोई भी कार्यवाही न होने के कारण परेशान डंपर स्वामियों को यह कदम उठाना पड़ा। अब देखना यह है कि उनकी मांगों को पूरा किया जाता है या नहीं। बंद दे दिया है अधिकारी और कोई सुनने वाले नहीं है। क्रेशर वाले हमें रेट नहीं दे रहे हैं। हमारा जो लड़ाई है पेट का सवाल है। हमें जो है हर चीज़ बढ़ गई है, लेकिन क्रेशर वाले अपने हर साल रेट हमारे घटाते जा रहे हैं। हमने एक डिमांड रखी है 35 रुपये की। जब तक 35 रुपये का रेट क्रेशर वाले हमें नहीं देंगे, तब तक हम गेट को नहीं खोलेंगे। हमारा विरोध हमारा विरोध नंबर एक रेट को लेकर है कि वो हमें 25 का रेट दे रहे हैं। हमारा टोटल खर्चा 2800 रुपये 100 कुंटल में खर्चा आता है और ये 2500 रुपये दे रहे हैं। हम इनसे कह रहे हैं कि 3500 रुपये एक चक्कर का हमें जो 100 कुंटल माल आता है 35 रुपये कुंटल के हिसाब से दें। जो ये देने में राजी नहीं है, ये 25 रुपये कुंटल दे रहे हैं। इससे पूर्व में कितना आता था? इससे पूर्व में भी 100 ही कुंटल आता था और रेट जो है 33 रुपये थे। तो 55 के भी रेट दिए उन्होंने, लेकिन पिछले बार लास्ट रेट 33 था और हमने कहा कि महंगाई बढ़ गई है, 2 रुपये और बढ़ा दो, इस बार 35 कर दो, लेकिन इन्होंने 25 कर दिया, इन्होंने 25 रुपये कर दिया। इसी को लेकर हमारी लड़ाई है। दूसरी लड़ाई हमारी समतलीकरण को लेकर है। क्रेशर वाले गड्ढे खोद रहे हैं। आप जाइए, आपको भी आप देखो, मीडिया वाले हैं, आप देखिए, लालगुआ स्टोन के अंदर जाइए, इतने गड्ढे खोद दिए वहाँ पानी निकलने को, 300 फीट जो है गहरा गड्ढा खोद दिया, मिट्टी निकाल दी उन्होंने। तो इसलिए ये रेट नहीं देते क्योंकि इनका माल जो है खेत ठेके में लेते हैं और गड्ढे खोदते हैं, उसको फिर राख से भर देते हैं और इनका काम चल जाता है जो है गाड़ी मालिकों को, इसलिए वो भाड़ा नहीं देते हैं। के लिए हम सब आंदोलन के लिए लामबंद, इसलिए मजबूरन होना पड़ा। आज 10 दिन हो गए हम आंदोलन के लिए, समय समय पर ज्ञापन भी दे रहे हैं कि हमारी वार्ता सफल बनाई जाए क्रशर स्वामी के साथ, लेकिन शासन प्रशासन भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर पाया, जिसके लिए आज हमें ये मजबूरी ये कदम उठाना पड़ा जन आक्रोश रैली निकालकर, और जिसको हमने मजिस्ट्रेट साहब के मुख्यालय पर सब लोग उपस्थित हैं। हमारी लड़ाई एक ही बात की है कि हमें जो है 35 रुपया मिनिमम और मैक्सिमम शुरू से लेकर लास्ट तक दिया जाए, जिससे हमारे भाइयों के और हमारे मजदूरों का पालन हो सके और हमारे भाइयों की जो है रोजी रोटी और चूल्हा जल सके। अगर रेट नहीं बढ़े तब क्या करेंगे आप? तो मजबूरी हम ये आंदोलन को आगे लामबंद रखेंगे। हम राजस्व भी नहीं होने देंगे और हमें जो हमसे खिलवाड़ करेगा हम उसको उखाड़ के फेंक देंगे। हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड।